मेरे प्यारे बच्चों हम यहाँ पर जई 2024 जो लेटेस्ट 27 जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हो यहाँ पर हम कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे उससे पहले आपको एक डायरी लेकर बैठना है उस डायरी में चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सारे पॉइंट आपको लिखना है हम यहाँ पर जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस पेपर का आप डेट लिखिए कौन सा पेपर सॉल्व कर रहे हैं और वहाँ पर कौन से कॉन्सेप्ट आए हैं वो ज़रूर लिखिए हम आपको हर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है इस कॉन्सेप्ट इस डायरी की जरूरत आपको कब पड़ेगी जब आप रिवीजन करेंगे जब आप पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में फुल टेस्ट देंगे रिवीजन के लिए जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट एक बार जरूर आप पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये वेटेज वाले कॉन्सेप्ट हम यहां पर बता रहे हैं है ना तो हम बात कर रहे हैं ट्वेंटी जनवरी टू कल आया हुआ पेपर उसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर और फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ़ करंट फील्ड इन एस आई यूनिट एट है ना तो यहां पर डिस्टेंस सबसे पहले सेंटीमीटर में दे रखा जैसा हमको डायरेक्टली क्वेश्चन uh, में गिवन है डिस्टेंस यहां पर सेंटीमीटर में गिवन है okay. अब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आपकी डायरी ओपन कीजिए और पहला पॉइंट लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर कौन सा कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ड्यू टू इनफाइनाइट इनफाइनाइट करंट स्ट्रेट करंट ओके तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाई आर है ना आई करंट है और आर डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो so, यहां पर अगर हम इस इन दो वायर को नेमिंग दे दिए दे वायर नंबर वन हो गया या वायर नंबर टू हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट जो होगा वो अगर हम राइट हैंड रूल का यूज़ करें तो करंट अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी और यहाँ पर सेकंड वायर में करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रहा और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एड होना है और डेफिनेटली विदाउट एनी लॉजिक यू कैन एड दिस टू मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने अगर वो सेम ही डायरेक्शन में होती तो आंसर जीरो आता ओके आंसर जीरो आता पर ऑप्शन पर में जीरो है तो है ही नहीं तो आप डायरेक्टली वहां पर क्या करेंगे एड करेंगे तो फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बी वन इज इक्वल टू फर्स्ट के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना आया बी वन इज इक्वल टू बी वन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई और आर का वैल्यू आर का वैल्यू यहाँ पर आर इज इक्वल टू टेन सेंटीमीटर गिवन है और उस टेन सेंटीमीटर को टेन बाई हंड्रेड मीटर हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कह रखा है क्वेश्चन में कि ऐसा यूनिट में आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेन डिवाइडेड बाई हंड्रेड और इसका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू पाई ओके okay, ये हो गया हमारा अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड टू के कारण फाइन करें तो वो भी यही होगी टेन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय टू पाए और नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो दोनों का एडिशन है अभी हाल हमने देखा क्या देखा दोनों का एडिशन मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन होगा दोनों सेम डायरेक्शन में होगी अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी तो यहाँ पर टू इंटू टेन इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाए हम यूज़ करेंगे टू पाई यूज़ करेंगे टू से टू यहाँ कैंसिल है आंसर आ जाएगा टेन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाए ओके आगे के लेक्चर आगे का वीडियो आपको कंप्लीट देखना है क्योंकि हम आगे आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकेंड हमारा आंसर करेक्ट होगा